दोस्तों, वैसे तो आप सभी ने रैम और रोम के बारे में सुना होगा, और ऐसे में आप जब भी कोई नया स्मार्टफोन या लैपटॉप खरीदते हैं तो उसमें उसकी रैम और रोम को जरूर चेक करते हैं। पर दोस्तों, क्या आपने कभी कैश मेमोरी के बारे में सुना है? और अगर सुना है तो क्या आप जानते हैं कि कैश मेमोरी क्या होती है? तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आगे देखते जाइए और मैं आपसे बात करने वाला हूँ कैश मेमोरी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं टेक थेरेपी। दोस्तों, हमारे लैपटॉप से मोबाइल्स में तीन अलग तरह की मेमोरी लगी होती है। दोस्तों, जो पहली मेमोरी होती है उसे हम कहते हैं रोम, यानी कि जो नॉर्मल स्टोरेज होती है आपके लैपटॉप्स या मोबाइल्स की। दोस्तों, जो दूसरी मेमोरी होती है उसे हम कहते हैं रैम। दोस्तों, अगर आपको रैम के बारे में नहीं पता है तो मैंने पहले ही इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको ये वाली वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, रैम के बाद जो मेमोरी आती है उसे हम कहते हैं कैश मेमोरी। और दोस्तों, अगर बात करें इस कैश मेमोरी की तो इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, और अगर हम इसे रैम की कंपैरिजन में देखें तो ये 4 से 5 गुना ज़्यादा तेज होती है रैम से। पर दोस्तों, जो इसकी कैपेसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, और एक नॉर्मल फ़ोन में अगर हम देखें तो ये सिर्फ 3 से 5 MB की कैपेसिटी के साथ ही होता है, जो कि रैम से काफ़ी कम है। दोस्तों, कैश मेमोरी तीन अलग अलग तरह की होती है, Level 1, Level 2 एंड Level 3, और जो CPU या प्रोसेसर है वो उसको अलग अलग तरह से इस्तेमाल करता है डाटा को लेने के लिए। दोस्तों, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ कैश मेमोरी के यूजेस के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको रैम वाली वीडियो में बताया था कि अगर आपको कुछ डिशेज बनानी है तो उस डिशेज से रिलेटेड जो भी सारा सामान है वो आप पहले अपने स्टोर रूम से अपने किचन में ले आएंगे और फिर आप उन डिशेज को बनाएंगे। और दोस्तों, जो आपके किचन में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे कि नमक, हल्दी या चीनी, तो दोस्तों आप उन चीज़ों को अपने स्टोर रूम में नहीं रखते हैं, उन्हें रखते हैं अपने किचन के ड्रॉअर्स में, ताकि आपको जैसे ही उसका इस्तेमाल करना पड़े आप फटाफट उसको लेकर के इस्तेमाल कर लें और फिर वापस से वहीं पर रख दें। दोस्तों, कुछ इसी तरह से हमारे लैपटॉप्स और मोबाइल्स में भी होता है। दोस्तों, जो CPU होता है उसे काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस को रन करना होता है, और ऐसे में जो इंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है CPU के लिए, जिन्हें सबसे ज़्यादा रन करना होता है, उसे रखा जाता है कैश मेमोरी में, ताकि जैसे ही CPU को इंस्ट्रक्शन रन करनी पड़े तो वो कैश मेमोरी से जल्दी से इंस्ट्रक्शन ले ले और प्रोसेसिंग काफ़ी तेज़ी से हो जाए। लेकिन दोस्तों, अगर CPU को ये इंस्ट्रक्शन कैश मेमोरी में नहीं मिलती है तो ऐसे में वो जाता है रैम के पास, और इस प्रोसेस में थोड़ी सी देरी हो जाती है, और इसे हम कहते हैं कैश लेटेंसी। और दोस्तों, जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स की। तो दोस्तों, इन फ़ोन्स में हर एक ऐप के लिए अलग अलग कैश मेमोरी होती है, और इन कैश मेमोरी में हम स्टोर कराते हैं आपके ऐप से रिलेटेड जो बेसिक डाटा होता है उनको, जैसे कि आपकी लॉगिन डिटेल्स या फिर आप अपने ऐप में क्या क्या सर्च कर रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर कोई ऐप में प्रॉब्लम आ रही है आपके लॉगिन में, तो आप कई बार जो है वो इस ऐप से रिलेटेड जो कैश मेमोरी होती है उसे आप क्लियर करते हैं और फिर वो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आपको कैश से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी, और अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि कैश मेमोरी का क्या यूज होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।